खबर रीवा से है, जहां जनपद गंगेव सीईओ प्रमोद ओझा के ऊपर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के चलते कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीईओ प्रमोद ओझा को इसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के चलते प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग उमाकांत उमराव के द्वारा निलंबित किया गया था, लेकिन अपनी राजनीतिक रसूख के चलते प्रमोद ओझा वापस गंगेव जनपद के सीईओ पद पर पदस्थ हुए थे और तब से भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता के चलते गंगेव जनपद से हटाए जाने की मांग चल रही थी। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि प्रमोद ओझा के द्वारा गंगेव जनपद में निरंतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और मनरेगा के मिट्टी मोरम के प्रतिबंधित काम मशीन और जेसीबी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। हाल ही में चौरी ग्राम पंचायत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए के नाले के सफाई के नाम पर लीपापोती की गई और काम को भी दबा दिया गया। वही मामले की शिकायत जब ग्रामीणों के द्वारा की गई तो जांच के लिए पंचायत समन्वयक अधिकारी को भेजा गया, जहां जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि गांव वालों ने फर्जी बाड़े का वीडियो भी प्रशासन को उपलब्ध करवाया था, जिसके साथ ही प्रमोद ओझा को वापस लंबित किए जाने और जनपद गंगेव से हटाए जाने की मांग की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या बताया है। रीवा जिला अंतर्गत गंगेव जनपद की चौरी पंचायत में मनरेगा का कार्य करवाया जा रहा है। अमूमन जो मनरेगा के कार्य होते हैं, जो मिट्टी के कार्य होते हैं, वो 15 जून तक ही करवाए जाते हैं। कोई एक विशेष आदेश शासन स्तर से जारी हो तो वो एक अलग बात है। तो चौरी पंचायत जनपद पंचायत गंगेव में इस प्रकार के जो कार्य करवाए जाने की शिकायतें मिली, मस्टर रोल निकलवाया गया, नाला की सफाई के नाम पर लगभग 4 से 5 लाख रुपये का कार्य है। मस्टर रोल अप्रैल और मई में जारी किए गए, इसकी शिकायत की गई, लेकिन जनपद गंगेव के सीईओ जो वर्तमान में हैं प्रमोद ओझा, इनके संरक्षण में निरंतर भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है। कई बार शिकायतें हुई जिला पंचायत सीईओ श्री स्वप्निल वानखेड़े से, जिला कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प से, इन सबसे शिकायतें हुई। इसके बावजूद भी इन्होंने बार बार निर्देशित किया, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा, सीओ जनपद को निर्देशित किया, लेकिन सीओ जनपद के द्वारा कार्य बंद नहीं करवाया जा रहा है, निरंतर काम करवाया जा रहा है। जबकि दो जांचें भी हो चुकी थी, सीओ भारत पटेल और एसडीओ श्री जितेंद्र हिरवार के द्वारा जांच भी की गई और वो आकर के मौका मुआयना किए, सब उन्होंने देखा सारी चीज़ें, वहाँ पर अवैधानिक तरीके से काम होना पाया, काम को बंद करवाने के लिए बोला। लेकिन आज 6 जुलाई 2022 की स्थिति में पुनः जनपद सीओ गंगेव जो कई भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त हैं, उनको पीएम आवास घोटाले में निलंबित भी किया जा चुका है, वापस वो अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण यहाँ पर हैं। इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जब तक जनपद सीईओ प्रमोद ओझा गंगेव जनपद में रहेंगे, भ्रष्टाचार इसी तरह से फलता फूलता रहेगा, निहायत आवश्यक है। और ये सीईओ जिला पंचायत और जिला कलेक्टर से भी इस विषय में हमने बात कही है, चर्चा की है, शिकायतें की है और इस पर कार्यवाही तत्काल होना चाहिए। चौरी में कोई भी कार्य जो मनरेगा का है, मिट्टी का काम, मिट्टी मोरम का कार्य, वो बंद होना चाहिए, बरसात में इसका कोई प्रावधान नहीं है।